अरविंद केजरीवाल, आप झूठ बोलना और मुझे परेशान करना बंद कर दो, वरना मैं आपके और सहयोगियों के बारे में ऐसी पर्सनल बातें लीक कर दूंगा जिससे पूरे देश में हड़कंप मच जाएगा। यह किसी का महज बयान नहीं है, चेतावनी है उस ठग की जो जेल में बंद है। जैकलिन के यार के नाम से मशहूर हो चुके सुकेश चंद्रशेखर ने इस बार सीधे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ललकारा है, और ललकार भी ऐसी कि देश में हड़कंप मच जाए। अरविंद केजरीवाल गुजरात में मोदी के गढ़ को भेदने में जुटे हैं, लेकिन उनकी लंका में आग लगाने की तैयारी कर चुके हैं जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर। क्योंकि जो चैलेंज सुकेश ने किया है उसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर केजरीवाल और उनकी गैंग के लोगों के बारे में ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके बारे में सुकेश जानता है। क्या कोई वीडियो है, क्या कोई तस्वीरें हैं, या फिर कोई डेटा जिसके सामने आते ही देश भर में हड़कंप मच जाएगा और अरविंद केजरीवाल बेनकाब हो जाएंगे। और सवाल ये भी कि अभी तक सुकेश ने इसे लीक क्यों नहीं किया है। दरअसल इन दिनों सुकेश और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग चल रही है। सुकेश ने दिल्ली के एलजी समेत एक के बाद एक जेल से कई पत्र लिखकर खुलासे किए हैं, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं और केजरीवाल पर पैसे लेने के आरोप लगाए हैं। सुकेश ने सबसे पहला हैंड रिटन लेटर 7 अक्टूबर को लिखा था, जिसे 10 अक्टूबर को उसके वकील ए के सिंह ने एलजी को स्पीड पोस्ट किया था। इस चिट्ठी में सत्येंद्र जैन पर 10 करोड़ रुपए और तिहाड़ के तत्कालीन डीजी पर 12 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी लेने के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की गई थी। इसके बाद सुकेश ने 4 नवंबर को दूसरा लेटर उसके दूसरे वकील अनंत मलिक के जरिए लिखा। ये लेटर मीडिया के लिए लिखा, जिसमें सुकेश ने सत्येंद्र जैन, डीजी तिहाड़ के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कैलाश गहलोत पर पैसों के लेन देन का आरोप लगाया। फिर 10 अक्टूबर को भेजे लेटर में सुकेश ने सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल पर आरोप लगाए और सीबीआई जांच की मांग की। सुकेश ने अभी तक जो खुलासे किए हैं उसके मुताबिक सुकेश आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए दे चुके हैं और पार्टी की ओर से 500 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। उसने ये भी बताया कि 2016 में कैलाश गहलोत के असोला के फार्म हाउस पर सत्येंद्र जैन ने उसके साथ मुलाकात कर 50 करोड़ रुपए लिए थे। उसी शाम जैन और केजरीवाल सुकेश से बीकाजी में हयात होटल में डिनर पर मिले थे और राज्यसभा सीट का ऑफर किया था। अब सुकेश ने चौथा लेटर लिखकर सीधे केजरीवाल को चैलेंज किया है। सुकेश ने लिखा, मुझे मीडिया के सामने आने के लिए मजबूर किया जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी जवाब देने की जगह मुझसे ही लड़ रही है, मेरे खिलाफ वाक युद्ध छेड़ रही है। तो सुनिए, केजरीवाल जी, आप और आपके साथी कह रहे हैं कि ये सब जानबूझकर किया गया है, ये अब चुनाव के दौरान ही क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं, जब मुझसे ईडी और सीबीआई ने जवाब तलब किए तब मैंने क्यों नहीं बोला। मैं इसका जवाब दूंगा, मैं आपको बता दूं कि मैं चुप रहा और सब कुछ नजरअंदाज करता रहा, लेकिन जेल के जरिए मुझे मिल रही आपकी लगातार धमकियों और दबाव के कारण मुझे मुंह खोलना पड़ा। आपने और जैन ने मुझे पंजाब चुनाव, गोवा चुनाव के दौरान फंडिंग के लिए दबाव डाला, जबकि मैं जेल में बंद था, इसलिए मुझे मजबूरी में कानूनन सहारा लेना पड़ा। तो आप अपने पुराने स्टाइल से इस नाटक को बंद करो, ये बहुत स्पष्ट है और सभी देख सकते हैं कि आप इस मुद्दे को छिपाने और मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेटर में सुकेश ने कई और बातें भी लिखी है, लेकिन आखिर में उन्होंने लिखा है, अरविंद केजरीवाल, आप झूठ बोलना और मुझे परेशान करना बंद कर दो, वरना मैं आपके और सहयोगियों के बारे में ऐसी पर्सनल बातें लीक कर दूंगा जिससे पूरे देश में हड़कंप मच जाएगा। अब सवाल ये कि वो कौन सी बातें हैं और क्या केंद्रीय जांच एजेंसियां इसको संज्ञान में लेकर जांच को आगे बढ़ाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।